इस प्रदेश में फिर से एक बार नकली और जहरीली शराब पीने से मौत सामने आया है। जांजगीर चांपा क्षेत्र के ग्राम अमोदा में श्रीमती ललिता सूर्यवंशी, जो इसी समाज की है, 45 वर्ष की महिला है। पति श्री रथराम सूर्यवंशी, किरण प्रधान 35 वर्ष, पिता शिवचरण, जो हनुमंता गांव से अमोदा आए थे, वहां पर जहरीली शराब, अवैध शराब पीने से इन दोनों की मौत हो गई है। पिछले 3 महीने पहले ही इसी क्षेत्र में ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से, अवैध शराब पीने से 3 लोग मौत के काल के गाल में समा गए थे। उनके आंसू आज भी सूखे नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में, कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन मौतों के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और सत्ताधारी दल कांग्रेस जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि अवैध शराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी मृतक हैं इनके पर्याप्त मुआवजा छत्तीसगढ़ की सरकार देने की तत्काल घोषणा करे। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.